अपनी अपनी लगन, अपना अपना ड्रीम्स, अपनी अपनी चीजें जो उनको मिल गई हैं उसमें पूरा झोंक दे रहे हैं खुद को, जाना चाहिए ना। दोस्तों अभी कैसा मौका चल रहा है पता है टारगेट में, कि अगर आपने लास्ट वाला जीत लिया तो पेरिस, नहीं वहां तक पहुंच पाए तो थाईलैंड, और उससे भी नीचे अगर फोन वाला रह गया तो कम से कम जैसलमेर तो तय है। जैसलमेर ही है, जैसलमेर और शिमला, शिमला शिमला है ना आपका, यानी कहीं ना कहीं जाना चाल मतलब तय है। अच्छा करके तो पेरिस, थोड़ा सा हल्का हो गया तो, और ही कुछ सातों फूट गई तो तो जैसलमेर। अच्छा कोई कोई अगर चाहे, कोई कोई अगर आप में से चाहे तो तीनों जगह जा सकता है, पॉसिबल है, जा सकता है तो वो भी कर सकता है। तो थाईलैंड भी कोई छोटी जगह नहीं है, हम लोग 2007 में थाईलैंड गए थे, योगेश जी भी हमारे साथ थे, हम लोगों की फ्लाइट जो थी वो कलकत्ता से थी 2007 में, वो हमारा पहला फॉरेन ट्रिप था, उससे पहले हम कभी गए नहीं थे फॉरेन हम कभी गए नहीं थे, है ना। और इतने जोश में थे योगेश जी के, वो बस में ही पासपोर्ट भूल गए थे, हम सबकी सांसें अटक गई थी, अब इसको कैसे लेके जाएंगे वापस। तो 2007 में हम लोग कलकत्ता से फ्लाइट लेने के लिए घर से इतने जल्दी चल दिए थे कि रस्ते में ट्रेन खराब भी हो जाए तो पैदल पहुंच जाए, लेकिन थैंक यू वेरी मच, क्योंकि क्रेज था पहली बार विदेश जाने का, समझ आ रहा है आपको। यानी रात को 3 बजे की फ्लाइट थी, हम पहली रात को 4 बजे पहुंच गए, क्या कर लोगे, पहुंच गए पहली बार जा रहे थे, समझ आ रहा है। थैंक यू, मजा आ रहा है आपको, अच्छा है तो फिर मैं लगा रहता हूं। तो 2007 में हम लोग थाईलैंड गए देखने के लिए विदेश, और विदेश जाके बहुत ही विजन मिला, मजा आया। मेरी डेस्टिनी एक डीवीडी है, मैंने उसमें बोला है कि कोई भी ट्रिप जो होती है ट्रिप, वो हमेशा सबसे ज्यादा विजन देती है इस बिजनेस का, और विदाउट विजन ये काम होता नहीं है। विजन की परिभाषा क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विजन, विजन की एक सीधी सी परिभाषा है अनदेखे को देख लेना, अनदेखे को देख लेना, आंखें बंद करके अनदेखे को देख लेना। आज आपको आपकी डायमंड सिर्फ दिख नहीं रही होगी, पॉसिबल नहीं है, लोगों से बात करोगे तो डाटा से नहीं निकलेंगे, आप अगर सर्वे कराओगे कि मैं डायमंड बन सकता हूं कि नहीं तो 1000 लोगों में से 900 मना करेंगे, ना तू मुंह धो के आप बन ही नहीं सकता, देख ले, ऐसे बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन विजनरी अगर कोई होगा, हु इज द विजनरी मैन, विजनरी वूमेन, जो कि आंखें बंद करके अनदेखे को देख के आज डिसीजन लेके, आज जो डिसीजन लेगा, आज जो मेहनत करेगा, आज जो प्लान दिखाएगा, आज जो दम लगाएगा, वो है विजनरी आदमी। और मैं चाहता हूं कि आपको विजन मिलना चाहिए। स्टार क्रूज पे गए योगेश यादव जी, इनको विजन मिला, हम लोग पहली बार विदेश गए, हमको विजन मिला। विजन एक्चुअली जब भी कभी मिलता है तो आपको ट्रिप पे जाके मिलता है, आपको बहुत बड़ी लगती है कंपनी, यार बहुत ही बड़ी है कंपनी, 1000 रुपए के चेक में उतनी बड़ी नहीं होती कंपनी जितनी बड़ी ट्रिप पे जाने से होती है। और अभी ट्रिप, इतनी बड़ी ट्रिप आपका इंतजार कर रही है जो अभी तक के इतिहास में कंपनी ने कभी दी नहीं, तो ऐसे ही छोड़ देना चाहिए कि पकड़ लेना चाहिए उसको, करना चाहिए ना उसके लिए प्रयास। तो ये सब मौके हैं आपके सामने, पेरिस टूर आपका इंतजार कर रहा है, बहुत ही सुंदर शहर, फ्रांस और ये यूरोप आप जा सकते हो, स्विट्जरलैंड जा सकते हो, इसकी वीडियो बहुत टाइम लेंगी इसलिए मैं निकाल दे रहा हूँ, थाईलैंड जा सकते हो, और ये अचीवर ट्रिप के हिस्सा बन सकते हो जो कि शिमला जा रही है आपकी, उसमें आप जा सकते हो। और अभी क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ लोगों को, और मैं ज़रूर बुलाऊंगा उनको स्टेज पर, जिन लोगों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी और इतना दीवाने थे काम करने के और काम और ये पेरिस जाने के और टारगेट जीतने के, कि उन्होंने अपने समय से पहले ही टारगेट फाइट कर लिया। कंपनी ने तो टारगेट कब तक के दिया, ले दिया है 7 नवंबर तक, अगर कोई कंपनी का क्वालिफिकेशन पूरा कर दे तो कंपनी की नज़र में वो विजेता है। और जिस आदमी ने 7 नवंबर का इंतजार ही नहीं किया, जिस दिन टारगेट चालू हुआ और 2 वीक के अंदर, 1 वीक के अंदर कर दिया, तो विजेताओं का भी विजेता है कि नहीं? Yes! बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी है ना। Yes!
तो अभी मेरे को सौभाग्य मिल रहा है कि मैं उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन को जो यहाँ पर बैठे हैं टारगेट फाइट करके उनको बुलाऊं। उनमें से पहले हैं गुरजीत सिंह गुड़गांव से, जिन्होंने सबसे पहले अल्टीमेट अचीवर में पहले दो वीक के अंदर टारगेट फाइट किया। वेलकम। समझ आ रहा है? आए हैं गुरजीत सिंह? अच्छा नहीं आए, कोई बात नहीं। मंजू मंडल हैं गुवाहाटी से, ये भी नहीं आई होंगी, बहुत दूर रहती हैं। इस लेडी ने भी क्या किया, पहले तीन वीक में टारगेट क्वालिफाई कर लिया। दूसरी एक और मैडम है वहाँ की जो नर्स हैं, दिशा में मेरे से मिली थी ये, और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। इन्होंने भी तीन चार वीक में शुरू में टारगेट फाइट कर लिया। गुवाहाटी की एक और चौथी मैडम है। अच्छा, गुवाहाटी में कुछ स्पेशल आशीर्वाद है क्या इस टाइम? लग रहा है मेरे को, देखो गुवाहाटी में चौथी मैडम है, इन्होंने भी टारगेट फाइट कर लिया। पांचवा एक जो राजस्थान का लड़का है श्याम सुंदर लक्सर, इसने भी टारगेट फाइट कर लिया जयपुर का। ये दिल्ली के मनोज रॉय हैं, इन्होंने टारगेट फाइट कर लिया। ये उसी का भाई गणेश रॉय है, इसने भी सिल्वर है और टारगेट फाइट कर लिया। और ये मैडम लखनऊ की हैं रेणु मौर्य, इन्होंने टारगेट फाइट कर लिया। ये चित्तौड़गढ़ की लेडी हैं, इन्होंने भी, हेमलता जी ये हैं यहाँ पे, आ जाओ, वेलकम, जोरदार तालियां इनके लिए। थैंक यू। ये भी गुवाहाटी की हैं, इन्होंने टारगेट फाइट कर लिया, मिसेस लीना। और ये लड़का है, इसने टारगेट फाइट कर लिया, कृष्ण चौधरी हैं, ये हैं यहाँ, इन्होंने टारगेट क्वालिफाई कर लिया। हनुमंत यादव हैं, इनका टारगेट पूरा हो गया। अजीत खोला हैं, इनका भी टारगेट पूरा हो गया। इतने सारे लोग टारगेट पूरा कर गए, और ये रात तक की रिपोर्ट थी। अभी भी बहुत सारे लोग लगे होंगे, हर घंटे लोग कहीं ना कहीं से टारगेट क्वालिफाई कर रहे हैं और दम लगा के, ताकत लगा के कर रहे हैं। मैडम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। पार्टी किशन चौधरी मुंबई और हेमलता चित्तौड़गढ़। थैंक यू, थैंक यू। काफी सारे लोग टारगेट जीत के बैठे नहीं है, वो मीटिंग में भी आना उनको पसंद नहीं है जो नहीं आए हैं। अरे तो इनके सम्मान देने के लिए मैं जरूर बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर वुड बी क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर सुनहरी लाल जी और यो